तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है। सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री का हम लोग अभी तक दो वीडियो देख लिए हैं जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन था उसमें, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रुप सी और ग्रुप डी देखा था जो 20-20 नंबर का था, वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ग्रुप ई के ऊपर, ठीक है। ग्रुप ई के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाइए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। और एक आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों के पास शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आपसे एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहते हैं कि कौन रहा जो ये मॉडल सेट टोटल जितना जैक बोर्ड ने रिलीज़ किया था वो टोटल मॉडल सेट का सॉल्यूशन हमने करवा दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से मॉडल सेट में जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएं हम, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट का हम सबसे पहले स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 56 है मेरा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं चार कारणों का वर्णन करें। जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है उनके चार कारण आपको बताना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर सभी विद्वान एक मत नहीं है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसके बारे में जितने भी विद्वान हैं वो एक मत नहीं है, सबका अलग अलग मत है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण नदी में आने वाली बाढ़ को माना जाता है, ठीक है। चूंकि अधिकांश नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को इसलिए माना गया है जो कि बाढ़ के कारण ही जो अंत हुआ है, पतन हुआ है, इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो नगर है सभी नगरें हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरें अधिकतर नगरें नदियों के तट पर स्थित है जहाँ पे बाढ़ आती थी, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों से पता चला है कि इनका अनेक बार पुनर्निर्माण हुआ, ठीक है। जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई किया गया तो इससे पता चला कि उनका अनेक बार पुनः निर्माण किया गया है, ठीक है। लेकिन इस सभ्यता के पतन के लिए कुल अन्य कारण भी माना जाता है। सिर्फ ये आप नहीं कह सकते हैं कि बाढ़ के कारण ही उस सभ्यता का पतन हुआ है, कुछ अन्य कारण भी माना जा सकता है, ठीक है। क्या है कि क्योंकि सभी विद्वान अलग अलग अपना मत पेश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला कि गाइड चाइल्ड एवं पिगट, ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है जो मतलब कि कह सकते हैं मतलब कि विद्वान का नाम है। आदि विद्वानों ने बाह्य आक्रमण को पतन का कारण मानते हैं। ये सभी विद्वान क्या कहते हैं कि बाहर से जो आक्रमण हुआ उसके कारण इसकी पतन हुई है। पुरातात्विक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि मोहनजोदाड़ो को लूटा गया व वहां से लोगों की हत्या की गई, ठीक है, हत्या की गई। इससे वहां के जो कुछ कंकाल मिले या फिर कुछ मिला है वहाँ पे जो कुछ साक्ष्य मिले कंकाल के रूप में, उससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो मोहनजोदाड़ो को लूटा गया है और वहाँ के लोगों को लूट कर मार दिया गया है, ठीक है। ये है व्हीलर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता नगरों को ध्वस्त कर दिया एवं वहाँ के लोगों को मार डाला। और जो व्हीलर के अनुसार ये भी माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने आक्रमण किया और वहाँ को लूट खसोट लिया और वहाँ के नगरों को ध्वस्त करके वहाँ के लोगों को मार दिया, ठीक है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन को भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन हुआ जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का विनाश का ये भी कारण माना जा सकता है। तीसरा तथ्य इसका हम लोग देखते हैं
तीसरा आप देख सकते हैं कि नदियों के मार्गों में हुआ परिवर्तन को माना जाता है, और कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि नदी के मार्ग में परिवर्तन कर हो गया जिस कारण से वहाँ पे बाढ़ आई और ये पतन हो गए, जो हड़प्पा सभ्यता वो पतन हो गया। और फिर चौथा कारण है कि महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं को पतन का जिम्मेदार माना जाता है। जैसे में अभी चल रहा है एक महामारी बीमारी जो कोरोना चल रहा है, उसी तरह से उस समय भी कुछ बीमारी मलेरिया उलेरिया या कुछ बीमारी चला होगा जिस कारण से वहाँ के लोग का पतन हो गया। और पांचवा कारण कि व्यापार में आई भारी गिरावट, जो व्यापार में आई भारी गिरावट के फल स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के समृद्धि समाप्त हो गई एवं पतन हुआ। और ये भी कारण है कि व्यापार में हो सकता है कि भारी गिरावट आई जिस कारण से वहाँ के लोग खाने पीने में या फिर वगैरह वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता है जिस कारण से वहाँ पे ये समाप्त हो गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। माफ़ कीजिएगा, 57 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, ये 56 का सॉल्यूशन था, तो आपको अच्छा ही लगा होगा। चलिए हम लोग 57 को देखते हैं। ठीक है, 57, भारत में बौद्ध धर्म के विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ उसके कारण क्या है, उसके बारे में चर्चा करना है। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही उनके उपदेशों का प्रचार एवं बौद्ध का विस्तार कोसी से कुरुक्षेत्र और हिमालय से विंध्याचल तक, ठीक है, विंध्याचल तक के प्रदेशों के बीच हो चुका था। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रमुख कारण अग्रवत हैं, जो आगे दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है कि तत्कालीन धार्मिक स्थिति, जो उस समय के धार्मिक स्थिति था, उसके तत्कालीन धार्मिक स्थिति। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में प्राचीन प्रचलित वैदिक धर्म इतने दोष और जटिलताएं उत्पन्न हो गई जिनमें समाज त्रस्त हो गया था। जो तत्कालीन कहा गया है कि इसका जो फैलाव का कारण है कि तत्कालीन धार्मिक स्थिति, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो प्रचलित वैदिक धर्म जो थे, ठीक है, उस धर्म में इतने ज़्यादा दोष और जटिलताएं थी कि लोगों को ये समाज को त्रस्त कर रहा था। ठीक है, ऐसे समय में बौद्ध धर्म की सरलता एवं बोधागात्मक से जनता इसकी ओर सरलता से ही आकर्षित होती चली गई। और ये सरलता के कारण ये जो अच्छे मतलब कि इसमें जो सरल थे, लोगों को समझ में आया ये धर्म, इसीलिए इनके प्रति लोग झुकाव दिखे, आकर्षित हुए। दूसरा पॉइंट है बुद्ध का व्यक्तित्व। ठीक है, जो बुद्ध हैं उनका व्यक्तित्व, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व बौद्ध धर्म के प्रसार का सर्वप्रमुख कारण था। ठीक है, बुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के पश्चात ही कोई बात ग्रहण करने की सलाह देते थे। ठीक है, जो बौद्ध थे, जब तक उनके बारे में जानते नहीं थे, जब तक उनके बारे में सोचते नहीं थे, तब तक उनको कुछ ज्ञान नहीं दिया करते थे, सलाह नहीं देते थे। इसी कारण उनके और राजा से रंक तक सभी लोग आकर्षित होते और उनके अनुयायी बनते गए। और क्या हुआ कि ये जो बताने लगे लोगों को बीच में कि ये है लोग ऐसे है ऐसे, लोगों के बारे में समझे और लोगों को समझाया, तो राजा से लेकर रंक तक सभी लोग इनके प्रति झुकाव आए और इनके अनुयायी बनते चले गए। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिद्धांतों की व्यवहारिकता। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर विशेष जोर डाला गया, माफ कीजिएगा, मध्यम वर्ग है पर विशेष जोर डाला था। इसके सिद्धांतों में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कष्ट साध्य अथवा दुर्बोध हो। ठीक है, वस्तुतः इसके सिद्धांतों की सरलता एवं व्यवहारिकता इसके प्रसार का प्रमुख कारण था। और इसके प्रसार का ये सरलता और इसकी जो सिद्धांत में सरलता और व्यवहारिकता थे, इनके कारण ये फैला और प्रसार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक
समानता। बुद्ध ने जाति पांति का घोर विरोध कर सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। जो बुद्ध थे उसने क्या किया कि जाति पाति के प्रति उसने विरोध किया और सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। अतः निम्न वर्गों के लोग का झुकाव भी बौद्ध धर्म की ओर हुआ, और इसी कारण से निम्न वर्ग के भी लोग बौद्ध धर्म की ओर चले गए और झुकाव हुआ। पॉइंट नंबर 5 हम लोग देखते हैं, जन भाषा का प्रयोग। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाई गई भाषा शैली, जो प्रचार करने की भाषा, जो भाषा की शैली थी वो अपनाई गई, अत्यंत ही सरल एवं रोचक था। वो बहुत सरल और रोचक था। उन्होंने अपने उपदेशों सदैव लोक एवं जन भाषा पाली में ही दिए, और उन्होंने क्या किया कि जिस अपने मतलब वहाँ की लोकल भाषा में ही ये टोटल चीज़ कहा। ऐसा नहीं कि अगर मतलब कि अरबी में ही टोटल चीज़ समझाया जाए, संस्कृत में ही टोटल चीज़ समझाया जाए, ऐसा नहीं था। वहाँ के लोकल भाषा जो है, जन भाषा जो है, लोगों के बीच में जो भाषा है, उस भाषा के में उनको समझाया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अनुयायियों की संख्या में अपार वृद्धि हुई और लोगों को समझ में आया कि नहीं ये सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके भाषा में था। तो क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे वो अनुयायी बनते गए इनके, और अनुयायी अपार संख्या में वृद्धि हो गई। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 भी आप लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा धर्मों का अभाव। उसमें प्रतिस्पर्ध धर्म नहीं थे, ठीक है, प्रतिस्पर्धी धर्म नहीं थे। और बौद्ध संघ का योगदान, और फिर दूसरा यह है कि बौद्ध संघ का भी योगदान है, उसमें बौद्ध संघ बना, उसने भी धर्म को प्रचार प्रसार की ओर ले चला। और लास्ट पॉइंट है राजकीय संरक्षण, और उसके राजकीय संरक्षण लास्ट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया या क्यों असफल हुआ। क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया और यह क्यों असफल हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन निम्न कारणों से बुलाया गया था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन निम्न कारणों से बुलाया गया था। पहला कारण है कि साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आए थे, उसने रिपोर्ट तैयार किया, उसने जो रिपोर्ट बनाया था उसमें कानून सुधार या संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने को बुलाया था। क्या हुआ कि जो साइमन कमीशन ने मतलब कि जो यहाँ पे आए साइमन कमीशन भारत 1928 में, तो उसने एक रिपोर्ट बनाया, बोला कि भारत की स्थिति इस प्रकार से, जो भी स्थिति था उसने टोटल वहाँ ब्रिटेन में ले जाके, लंदन में ले जाके उसको थमाया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ की सरकार जो चला रही थी, तो उसने बोला कि सभी लोगों को बुलाया जाए, उसके ऊपर चर्चा किया जाए। दूसरा पॉइंट था, नेहरू ने भी एक रिपोर्ट बनाया था। नेहरू के अनुसार उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया था उसमें डोमिनियन राज्य की मांग की थी, और जो है डोमिनियन राज्य की मांग कर लिया था नेहरू जी ने। इसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए बुलाया गया, ये गोलमेज सम्मेलन किया गया। और है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण राज्य की मांग किया था, और 1931 में क्या हुआ कि लाहौर में पूर्ण राज्य की अधिवेशन मांग किया गया था, ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इस सभी बातों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। इस तरह से गोलमेज सम्मेलन, तीन प्रकार के गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, तीन प्रकार के गोलमेज सम्मेलन हुए, और तीनों प्रकार के गोलमेज सम्मेलन असफल हुए, इसमें कोई इसका हल नहीं निकला। पहला गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे हम लोग ने लिख रखा है, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला, ठीक है। तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड। इस सम्मेलन में निवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसमें क्या हुआ था कि निवासी प्रतिनिधि ने भाग लिया था, इनमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और जो भारत से कांग्रेस थे इसने भाग नहीं लिया। चर्चा के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। जो इसके ऊपर चर्चा हुआ तो वहाँ पे कांग्रेस नहीं गए थे, जिस कारण से चर्चा के बाद गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, और 19 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना कोई निर्णय
क्रिया समाप्त हो गया और कोई निर्णय नहीं निकला, जिस कारण से ये गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है वो हुआ 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, पहला भी वहीं पे हुआ था, दोनों जो सम्मेलन हुआ है वो एक ही जगह पे हुआ है, सेंट जेम्स प्लेस में ही किया गया था, लंदन में हुआ। इसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने भाग लिया, और यहाँ कांग्रेस की ओर से कौन गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया और 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को सम्मेलन चालू हुआ, और ये सम्मेलन कब चालू हुआ, 7 दिसंबर 1931 को ये चालू हुआ। विभिन्न दल एवं वर्ग के लोग वहाँ पे मौजूद थे, ने अपना अपना पक्ष रखे ठीक है रखे थे, और गांधी जी ने कहा कि अन्य सभी दल सांप्रदायिक हैं, कांग्रेस ही केवल सारे भारत और सब हितों के प्रतिनिधित्व का दावा कर सकती है। जो गांधी जी ने वहाँ पे एक बयान दिया, उसने बयान में कहा कि जितना भी यहाँ पे दल आए हैं वो सांप्रदायिक है, सिर्फ कांग्रेस ही है जो सभी दलों का या फिर सभी दलों का ये प्रतिनिधित्व कर सकता है, और इस प्रकार से ये भी सम्मेलन असफल रहा। और जब ये बात कह दिया तो वहाँ पे कुछ जो नेता लोग थे, कुछ दल के नेता थे, उसने विरोध जताया, जिस कारण से ये भी सम्मेलन असफल हो गया और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया, और ये समाप्त कर दिया गया, इससे भी कोई निर्णय नहीं निकला। फिर इसी तरह से तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। ठीक है, 1932 तक चला आपका। ठीक है, गांधी माफ कीजिएगा, भारत मंत्री ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया, यह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ये भी जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके सभी नेता जेल में बंद थे, और उनके सभी नेता जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, जिस कारण से वो जेल में सभी नेता बंद थे, इस कारण से गोलमेज सम्मेलन असफल रह गया। ये भी गोलमेज सम्मेलन असफल रह गया, इससे कोई भी नतीजा नहीं निकला। और ठीक है, और इसी तरह से इसका जो रिपोर्ट एक तैयार किया गया, तैयार के अनुसार एक कानून बनाया गया था 1935 जो कानून है, वह आप लोग मतलब कि अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिएगा पढ़ के। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 58। हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 59 है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो जो दिक्कत हुई थी, दो मुद्दे थे उसके ऊपर हम लोग को चर्चा करना है। तो देखिए, संविधान का स्वरूप तय करने वाली प्रथम ऐतिहासिक ताकत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो मतलब कि संविधान को तैयार करने का जो प्रथम ऐतिहासिक ताकत जो मिला था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही दिया गया, जिससे देश के संविधान को लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में भूमिका अदा की थी। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट जो पहले पॉइंट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ है इस संविधान का मुद्दा जो बना हुआ था कि मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन को बढ़ावा दिया, परंतु उदारवादी मुसलमान और वे मुस्लिम जो भारत विभाजन के विरोध थे, ये हुआ कि जब देश विभाजित हो गया, ठीक है, तो विभाजन के बाद ये हुआ कि मुसलमान के लोगों को एक अलग देश दे दिया गया जो पाकिस्तान आप जानते ही हैं, और एक यहाँ पे हिंदुत्व देश रखा गया हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने माना यहाँ पे कि जो वैसे मुस्लिम जो इस देश को नहीं छोड़ना चाहते, इस देश में रहना चाहते हैं, वो तो गांधी जी ने कहा कि वो रह सकते हैं, ये भी विरोध क्या कहते हैं, ये भी एक दबाव था उस संविधान बनाने वाले लोगों के ऊपर। ठीक है, समूह था राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, उन्होंने भी भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने तथा सभी नागरिकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में संविधान के माध्यम से आश्वस्त किया, और लोगों को आश्वस्त किया गया कि नहीं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दलित या तथा कथित दलित और हरिजनों के समर्थक नेताओं ने संविधान को कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता और न्याय दिलवाने वाला आरक्षण की व्यवस्था करने वाला छुआछूत का उन्मूलन करने वाला ये सभी बात
जो था एक मुद्दा बना हुआ था संविधान के निर्माण में, ठीक है, का स्वरूप प्रदान करने में योगदान किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ये आप